लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दोस्तों आइए डालते हैं एक नजर बड़ी खबर पर जो आ रही है बॉलीवुड से। जाने माने गायक मोहम्मद अजीज का निधन, मुंबई एयरपोर्ट पर पड़ा था दिल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सिनेमा को कई बेहतरीन और सुपरहिट गाने देने वाले जाने माने गायक मोहम्मद अजीज का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 64 वर्ष के थे और कोलकाता से एक प्रोग्राम खत्म कर मुंबई लौटे थे। जब एयरपोर्ट पर ही उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें फौरन नानावटी अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि मोहम्मद अजीज का जन्म 2 जुलाई 1954 को पश्चिम बंगाल के अशोक नगर में हुआ था। वह मशहूर गाने आपके आ जाने से लोगों के बीच जमकर हिट हुए थे। अजीज ने बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, उड़िया और अन्य क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग किया है। अजीज मोहम्मद रफी के बहुत बड़े फैन थे। उन्हें अनु मलिक ने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द के टाइटल सॉन्ग मैं हूँ मर्द तांगे वाला से हिंदी प्लेबैक सिंगिंग में ब्रेक दिया था। बाद में अजीज ने कई फिल्मों के हिट गाने गाए, लाल दुपट्टा मलमल का, मैं से, मीना सेना साखी से जैसे सैकड़ों हिट गाने गाए। अजीज ने मर्द के अलावा बंजारन, आदमी खिलौना है, लव 86, पापी देवता, जुल्म को जला दूंगा, पत्थर के इंसान, बीवी हो तो ऐसी, बरसात की रात, इन जैसी फिल्मों में गाने गाए हैं। दोस्तों इस खबर में अभी के लिए बस इतना है। आपको हमारी न्यूज कैसी लगी हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले।